पूरे दिन तो सारा काम करा जावे, ऊपर शिव की परेड कराया रखो। मेरा मम्मी पानी आए दो दे, नहीं आयो क्यों चिल्ला रहे टिंगर? ओए क्यों रोला गला? हा यशु भी उठ गई है दोस्तों, और अरुण झाड़ू निकाल रहा है। मम्मी मजदूरों के लिए चाय बना रही है। दोस्तों समय के साथ मेरी जुल्फे भी ऐसे हो गई। ताजमहल चाय की एड़ में फ्री पॉकेट में करती हूँ, और मैंने क्या कहूँ दोस्तों, छुट्टी भी कटवा दी। मैंने पिछले 15 मिनट में 3 चद्दरें तय कर दी हैं। झूठिया तू, मैं करके आया हूँ। वो तो है झूठा तू, या एक करी है। ये माँ बेटे हैं, ये पता नहीं किस चीज का झगड़ा ही करते रहते हैं सारा दिन। नहीं मेरी बेटी नहीं करती, ये सुंगलो है, ये झगड़ा कर रहा है। ये मैं अभी चाय दे के आता हूँ उनको। सोएगा अभी आज। देख मेरे दोस्तों, ऐसा कोई जादू मंत्र हो, ये लौंडा जल्दी से 1 महीने में ये 1 साल जितनी वो कर जाए, इतना बड़ा हो जाए, ग्रोथ कर जाए, तो मैं सोचूंगी ये बहुत जल्दी जवान हो गया। इसको तो मैंने ऐसे ही बना लिया मुच्छो वाला। ये तो इतना ही हुए तो परफेक्ट हुए नहीं, ये तो मैं में बरसे तो जी आजा। तो ऐसी बारिश सबके घर पे हो, मेरा वर्गो आदमी सब घर में पड़ा आया है। ये पुंगल रात में यूं कह रहा था, धड़ाम दे जा गई ये ऐसे उठाओ या कई बार तो मंडर लगा दे सारा कि गदले नहीं उलट पलट कर दे। देखो मैंने क्या गलत उठाया इसको, इसको समझ में आने लग जाएगा 2-4 बार में कि ये मेरी मम्मी है जो ऐसे उठाती है। ना यो सही है, ये उधर से आया ना तो ये बीमार था, और अभी 2-3 दिन की दवाई दी है, उसके बाद से ये फिट है। अभी कूलर कालर चलने लग गए ना घर घर में, तो चलते हैं दोस्तों फिर उधर। चिकन खाओ थी ना? मैं तो कह रही हूँ ये भी आना समझेगा। ठीक हाँ, तेरे फूफा नहीं आया आज? ना फूफा आई थी, भगा दो, वो भी तो चाली नहीं थी, भगा दिया। तो हाय 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 इतने नवे नवे अच्छा नवे नवे कौन है? वीडियो वाले क्या हाल चाल है? सुनो वही चमड़ी वही खा ले भैया, वही चमड़ी वही खा ले। ओ का बस ओ का कौन दूसरी क्या हो गया? यस सर, तेरा पानी से दीजिए से कौन लगाया था बैठ? क्यों अरे जा ओ का क्या सर फिर बैठ जा बैठ भाई, ये क्या कर लो बैठो ना यार। कभी हो तो मैं हां चना को कोला भरा करने डकार का क्यों तो तमाकू को पतना है नहीं
मैं कौन हूं बहुत दूर से आओ फ्रीज में से अरे भाई क्या हुआ बहुत दूर हो है तू लगा था हाथ खटोर जा दांत नहीं आओ काम धाम कैसे चल रहा है हैं काम धाम अच्छा है अरे भाई जा चलो जीने चलो काम धाम सब चलो ढलक नहीं तुम अब खेती किसान नहीं कर रहे खेती किसान बेटू कर दिया है अरुण का फोन आ गया था उधर पहुंचते ही कहता है कि भाभी को लेके आना है तो वो भाभी को लेने के लिए गया हुआ है उसने बुलाया है भाभी को किसी काम की वजह से मम्मी जो है वो कपड़े धो रही है और ये जो प्रतीक की आरती है लगा ले पोचो लगा के दिखाइए एक बार वो आरती उससे ऐसी तो लगा ये तो है यही तो आप में दिक्कत है ठीक है चला है मैं तो जी देखो मैं पोचा लगा दूँ ये गिर जाता है कई बार ये पोचा ये इसकी किस्मत पे डिपेंड है लगा लेकिन इससे ना मेरी एक्सरसाइज हो रही है ऐसे पकड़ती हूँ ना इसको ऐसे पकड़ के और फिर यूं चलाती हूँ इसको तो इसकी जो ये ग्रिप है ना ये अच्छी नहीं है तो वो ग्रिप के लिए ये सब कुछ कर रही है तो सही हो जाएगी मेरे हिसाब से ग्रिप भी इसके थोड़े दिनों में दोस्तों मेरी भाभी आके गई भी और भाभी को है ना आपको पता ही होगा पसंद नहीं है कैमरे में आना तो मैं भी कोई कैमरे में लेता नहीं हूँ भाभी को ये जो है खाना वगैरह खा रहे हैं और यशु है ना पूरे दिन क्लेटोज देखती है जो घन टाइम मिल जाए तो देख ले वह मेरी मम्मी है वो पूजा की तैयारियां कर रही है और अभी जैसे 11 बजे हैं तो लेट हो रखे हैं क्योंकि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है और जैसे तो दो तो बच्चे हो गए हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं मगर फिर भी मम्मी का काम है ना वो हमसे कुछ ज़्यादा है क्योंकि मम्मी को कपड़े वगैरह भी धोना पड़ता है खाना वगैरह भी सबका मम्मी को ही बनाना पड़ता है और उसके बाद में मतलब बच्चा को रोने भी लग जाए तो मम्मी उनके और भी काम करती है और आरती का काम हो जाता है काफ़ी और अरुण का भी काफ़ी काम है तो ये सारे मम्मी ने ही संभाल रखे हैं और उसके बाद भी मम्मी को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पूजा वगैरह करने का तो अभी जो है मम्मी पूजा करेगी उसके बाद ही खाना खाएगी इसी वजह से मतलब उनकी जो तबीयत है उसमें मतलब वो है ख़राब है तो मैं नहीं चाहता मेरी मम्मी बीमार हो जाए मैं मम्मी को कहता रहता हूँ कि कुछ खा लिया करो सुबह ताकि मतलब जो शरीर है वो तो काम करता रहे मगर मेरी माँ जो है वो मानती नहीं है खा लिया करो तुम्हें और अभी मेरे से नाराज हो रखी है देखो पानी पड़ो है मम्मी को ये रोड पानी है आज मैंने किस तरीके का पानी लिया बाथरूम धोते हैं तो अभी मतलब गिर सकती थी मम्मी ये पोचो मार दूँ ना आज है ना दोस्तों हमारे घर पे जैसे पानी जो है वो आया नहीं है मगर मेरी मम्मी ने जी भर के बहाया है पानी आज भी मेरे को लगता है आज टैंकर गिरवाना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना वैसे वैसे पानी की भी कटौती करने लग जाएंगे पहले चलता ही रहता था छोड़ के मतलब भूल जाते थे और अभी जो है आता भी है तो ये दो दिन बाद में आएगा और 10-15 मिनट के लिए आएगा जिसमें मतलब हमारा टैंक जो है वो भरता ही नहीं है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना बाय बाय टेक केयर अपन मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल